हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन मी एंड मिस्टर संजय राजोरा हैव गॉट इन टुगेदर टू डू अ पॉडकास्ट इट्स कॉल्ड ये भी ठीक है क्या करेंगे संजय हम ये पॉडकास्ट में जरा जनता को बताइए नहीं उससे पहले तो मैं सोच रहा हूँ कि इतने बुरे दिन आ गए ना कोई मुझसे बात कर रहा ना कोई तुझसे बात कर रहा हम दोनों को आपस में एक दूसरे से बात करनी पड़ रही है और तीन कैमरा लगा के <laughs> तीन कैमरा लगा के पूरे साइड सूट हैं मेकअप भी लगाया है हमारा <laughs> लाइटें भी लैम्प भी महंगे महंगे लगे हुए हैं यहाँ पे ऐसे ये ठीक नहीं है पर चलो ठीक है ये भी ठीक है बेसिकली हम हम दोनों बैठ के जब अपने ख्याल एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ अलग अलग मुद्दों पे जो भी हमारे दिमाग में आएगा उस वक्त और तो जो भी टॉपिक होगा विल जस्ट टॉक एंड शेयर आर थॉट्स कंसिडरिंग वी बोथ कम फ्रॉम द सेम फ्रेटरनिटी फ्रेटरनिटी मैं एक बात बताता हूँ दिस इज़ अबाउट अनपॉपुलर ओपिनियंस एंड आई थिंक संजय हैज़ ओनली अनपॉपुलर ओपिनियंस Well, I have like three, four stars on my about about that. Unpopular unpopular yeah. opinion. Uh -huh. So we are going to discuss unpopular opinions about almost everything through various episodes, okay? Yep. But इससे पहले ना अगर हम कॉमेडी के बारे में कोई आपका नहीं करे तो गलत हो जाएगा। पहले अपने आप को ही कैंसिल कर दो ठीक <laughs> है अपने प्रोफेशन को ही उसके बाद बाकी होते रहेगा रहे 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 फिर हमें कोई ये नहीं कह सकता कि अपने तो उंगली उठा नहीं so actually. Yeah. So Sanjay, what is your unpopular opinion about Indian stand up comedians. Okay, uh, just avoid the. अनपॉपुलर कहाँ से? तो स्टैंड अपेडियंसिलना पड़ेगा कॉमेडी पे आपका अनपॉपुलर ओपिनियन क्या है मे मेरा unpopular opinion ओपिनियन मैंने बहुत बार खुले में बोला है बहुत बार लिखा भी है इसके बारे में कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडी में कोई इंटरेस्ट नहीं है इंडियन स्टैंड अप कॉमेडी में hmm. क्योंकि मुझे वो इंटरेस्टिंग लगती नहीं है hmm. ना तो मुझे फनी लगती है और और ना ही कोई उसमें इंसाइट है ना उस वॉइस में कोई स्टोरी है ना ही कोई ऑनेस्टी hmm. in hmm. है उस वॉइस के अंदर एंड एट दिस एज आफ्टर द लाइफ हैड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग थिंग सुपरफिशियल स्टैंड अप कॉमेडी चीज़ क्या है मतलब सबसे पहला वर्ड ही स्टैंड है स्टैंड स्टैंडिंग अप कि आप क्राउड से अलग खड़े हो के कुछ बोल कम्फर्टेबल बात कर रहे हो yeah. हैं और अगर आप वो बात नहीं कर रहे हो तो एज अ परफॉर्मर मुझे कोई आप में दिलचस्पी है नहीं स्टैंड अप कॉमेडी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो बड़े बड़े नाम हैं जिनकी आ, कदर करते हैं हम लोग हैं वो कुछ ना कुछ ऐसी बात जरूर कह रहे होते हैं जो वो जिस पुशिंग द हाँ, जो उस टाइम के ऑडियंस के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है ठीक नहीं है थी? उस टाइम के लिए उन्होंने अनलॉप को थोड़ा सा पुश किया लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाया

अब ये कुछ लोग ये कि इतने सेकंड में लाफ आना चाहिए इतने सेकंड में लाफ आना चाहिए वो भी करो यार लेकिन मुझे कोई दिलचस्पी नहीं और इंडिया में क्या है ना कि भेड़ चाल बहुत हमारी hmm. पसंदीदा चाल है नाइन्टीज़ yeah. में क्या हुआ इकोनॉमिक इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुआ और hmm. वो एन खुला एक, उसने कोर्सेज़ hmm. कराने शुरू कर दिए एवरी अदर पर्सन वॉज डूइंग एन सर्टिफिकेशन

दे हेड प्रस्पेक्टिव नॉट वेल्थ नॉट रिचनेस नॉट प्राइवेट प्लेन्स प्रस्पेक्टिव वेदर इट्स हैना गैजी बिल्ब शपैेल और एनीबडी उन लोगों को चालीस के बाद ही पता चला कि ओहो oh, ये है कॉमेडी कॉमेडी इज जस्ट दैट वेरी मोमेंट इन अ क्लब इफ़ यू कैन रीक्रिएटेड दैट्स दैट्स मोर देन अनफ बट अभी जो बीस बाईस साल के लड़के करते हैं कॉमेडी सीधा चालू कर देते हैं तो मेरे को लगता है कि डेप्थ नहीं मिल रही है अब इनके साथ क्या हुआ है ना इन्होंने कमेडियंस की लाइफ देखी है उसके बाद ठीक है कि mm -hmm. अभिषेक उपमन्यु क्या कर रहा है mm -hmm. uh, जाकिर खान क्या कर रहे हैं बस्सी क्या कर रहा है कहाँ जा रहे हैं कैसे रह रहे हैं mm -hmm. uh, इनकी ऑडियंस क्या पसंद करती है इन्होंने ये सब देखा है पर इन्होंने ये नहीं देखा है दैट अ बस्सी इनहेरेंटली कैरीज अ वॉइस इनहेरेंटली कैरीज एक्सपीरियंसिस ऑफ परस्यूइंग लॉ एंड नॉट रियली परस्यूइंग लॉ अभिषेक उपमन्यु वर्क अ जॉब

Because News Laundry is sponsored by you, the viewer, the listener. But the first two episodes of this mini series, this conversation between Sanjay and Kunal, which is called Ye Bithika, are available for free. But just the first two episodes are available for free. All further episodes of season one are for subscribers only. That means people who pay to keep news free can get access to the entire video version on our website newslaundry.com. Or if you prefer listening to it as a podcast, Wherever you get your podcasts. But after the first two episodes, all future episodes, please pay because we don't take ads from anyone, not from any governments, not from any private sector, not from any large companies. We depend on you to keep us afloat and ensure we can keep creating content like this. Our reporters can go out and report, and we can give you video and audio shows. First two episodes free. Baki Keli H Salagao और हमको एक्चुअली ना आपकी जनरेशन से बहुत एडवांटेज मिला है hmm. कि क्योंकि पाँच या दस ही गिने कमेडियंस थे 2009 से लेके 2013 तक पर कॉमेडी प्रोड्यूसर्स ज़्यादा थे कॉमेडी वेन्यूज ज़्यादा थे कॉमेडी ऑडियंसेस ज़्यादा थी कॉमेडी hmm. uh, क्या बोलते हैं कॉमेडी का माहौल बहुत था कॉमेडियंस बहुत कम थे गलती करने का स्कोप भी था गलती करने का स्कोप भी था तो मुझे लगता है कि वो एडवांटेजेस हमें मिले मुझे जो सीखने मिला अनुभव पाल से आपसे ग्रोअर से रजनीश से वोज लाइक के प्रस्पेक्टिव क्या है सब लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं बट वाई रिमेंबर योर जोक ऑन बिग बाजार वॉट इज योर प्रस्पेक्टिव वो समझ में आ गया कि जोक के लिए मत जा प्रस्पेक्टिव पहले ढूंढ तेरी लाइफ में क्या है प्रेमिस पंच लाइन होता है प्रेमिस इज बेसिकली मैं उस दिन मॉल में गया प्रेमिस सिचुएशन लीड्स टू द पंच लाइन की ये हुआ मॉल के लू में गया तो मोटाट बज रहा था मैं मोडजाट की ट्यून पे मोतरा था समझा वो जो हो गया ठीक <laughs> है बट mm -hmm. अब इन लोग क्या करते हैं ना जोक पहले ढूंढते हैं yeah. और प्रेमिस बाद में लगाते हैं तो मैंने जो भी मेरे से यंग कमेडियन आता है और ये पूछते भी है ना कि क्या करना चाहिए मैं उनको बोलता हूँ डोंट लुक फॉर द जॉइंट लुक फॉर द लाइटर बिकॉज ज्वाइंट बिना लाइटर के मिल गया तो उसका कोई फायदा नहीं है लाइटर ज़्यादा बड़ा है कलर में है आसानी से स्पॉट हो जाएगा और ज्वाइंट उसके बाजू में ही रखा होगा प्रेमिस ढंग से ढूंढ़, ढूंढेक्टिव ढंग से ला यार तू तो फिलोसफर भी है यार जो वहीं रखा है वाह ये लोग पहले सोचते हैं कि मेरी पंचलाइन कंगा कंगना रनावत है फिर उससे बैक ट्रैक करके एक प्रेमिस लिखते है। एक और बात जो मेरे को कभी समझ में नहीं आई एंड विच इज समथिंग दैट आई ऑलवेज हैव अ डिफिकल्ट टाइम टू डाइजेस्ट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ कॉमिक्स कमिंग ऑन इंटरव्यूज एंड अ प्राइमरी जॉब ऑफ अ कॉमिक इज टू मेक द ऑडियंस लाफ एंड आई कान डाइजेस्ट दिस आई पर्सनली थिंक स्टैंड अप कॉमेडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है To, to really you know show the mirror to the society to really ask questions and you may not मे not नॉट नो आंसर्स टूज क्वेश्चन बट दो क्वेश्चन आर स्टिल वैलिट wo वो सवाल पूछना अगर हंसाना ही मेरा काम है फिर तो यार अगर मैं केले के छिलके से फिसलने वाला चुटकला सुना तो उस पर भी कुछ लोग हंस लेंगे यार नहीं तुम्हारा काम हंसाना तो है देखो मैं इतना ये नहीं बोलूंगा हंसाना है ही नहीं बट से माई द फर्स्ट जॉब इज टू लाफ नो द फर्स्ट जॉब इज फॉर योर टू थिंक ऑन वॉट यू वॉन्ट डेम टू लाफ दैट्स फर्स्ट जॉब थिंक वॉट यू वॉन्ट देम टू लाफ एट एटलीस्ट ये जवाब देना शुरू हुआ था वो ये था कि स्टैंड अप कॉमेडी में वॉइस होनी चाहिए एक, एक ना कॉमिक कौ, कौ, को ब्रेव होना पड़ेगा hmm. ब्रेव होना चाहिए और लेकिन अगर कोई डर रहा है तो मैं उसमें उसकी गलती भी नहीं मानता नहीं नहीं संजय ये तो कन्फ्यूजन है वेन आई सेट हैविंग अ वॉइस आई फाइनली आई की वॉइस का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री को गाली दो इकोनॉमि बन के इकोनॉमी पे कमेंट करो वॉइस इज बिटवीन योर अनफिल्टर्ड माइंड एंड द ऑडियंस जितना गैप कम होते जाएगा उतना तुम्हारा लाइफ इजी होता जाएगा करेक्ट लाइक इतना इजी होता जाएगा लाइफ लाइक बिल हिक्स सेड ना इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी फनी बट इफ यू बी योर सेल्फ इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अनइंटरेस्टिंग या एग्जैक्टली एग्जैक्ट तो वो मुझे लगता है कि It's okay. Just if you are true to yourself, you'll be interesting. And because everybody sitting on that side is probably not as true as you are. Yeah, and and any time I will anytime, any day in my life, I will always give far more importance to interesting than funny. Yeah. Because for something to be funny it has to be interesting for First. me. First. तो वो फनी है तो इंटरेस्टिंग तो अपने आप ही होगा लेकिन अगर इंटरेस्टिंग ही नहीं है तो मेरे को कोई दिलचस्पी नहीं या वन जोक आई हर्ड आई डोंट नो हु जोक इट इज़ सम यंग कमेडियन आई फॉरगेट द नेम किसी ने मुझे बोला था उसके उससे एक बंदा पूछता है uh, एक बात बता यार तू गे होता तो तेरे माँ बाप तुझे एक्सेप्ट कर लेते hmm. तो उसको देख के बोल रहा है अब मैं स्ट्रेट हूँ तब भी नहीं कर रहे सो दिस जोक आई सॉ ऑफ दिस कमेडियन and I told someone who said this is a great joke. I said yes it is. And if he can write one of those, he can write many, many, many of these. So just tell him to keep a watch out for these moments. It's a great joke because it's true. It's true. Hmm. Funny because it's true. Yeah. You ye, aap usko manufacture nahi kar sakte manufacture kar sakte jo real life mein jo bana banaya pakka pakaya आम बड़ा हुआ है ना वो नजर बनाने की जरूरत है क्योंकि आपके चारों तरफ खाने इतनी बिखरी पड़ी हुई हैं but I I I feel so strongly about it because I personally think that स्टैंड कॉमेडी हैज अगर रोल इन स्पेशली इन टूडेज टूडेज इंडिया उसका पोटेंशियल बहुत कुछ है आई मीन वी आर ऑल्सो फ्रस्ट्रेटेड विद अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म दैट इज एग्जिस्टिंग अराउंडिस टाइम स्पेशली ऑन टेलीविजन जो जर्नलिज्म इस टाइम हो रहा है नो बडी इज आस्किंग द राइट क्वेश्चन फ्राम द पावर्स टू भी उनसे कोई नहीं पूछ रहा और यहीं पे जो एक स्पेस क्रिएट हुआ है ना उस स्पेस को स्टैंड अप कॉमेडी बड़ी आराम से भर सकता था इतना पोटेंशियल उस और दुनिया में जगह जगह भरा है हिंदुस्तान में ही पहले हुआ है मतलब बाहर की बातें क्या करें यहाँ पर इतना कुछ हुआ है मुझे लगता है कि वो वो जो पोटेंशियल था आई थिंक वी हैव लॉस्ड दैट अपॉर्चुनिटी सो फर्स्टली लाइक

बहुत डिफिकल्ट है सो यू आर ऑलरेडी इन अ डिफिकल्ट जॉब नो डाउट बट द क्वालिटी ऑफ दैट लाफ इफ यू आर नॉट इफ़ यू आर सी पहले क्या होता है हमको हमारी कहानी है हम भरे पड़े हैं कोई वैलिडेट कर रहा है ग्रेट बट वो वैलिडेशन किससे लेनी है ना अगर उस वो ऊपर नहीं गया कि मुझे वैलिडेशन लाफ ही लेनी है hmm. पर मुझे अभी नॉट ऑन वाट दे आर थिंकिंग ऑन वॉट आई एम थिंकिंग not on what they are expecting on what i am supposed to give mm -hmm. so till the time you don't do this it will be very boring, boring it will be worse nahi. than an lnt mm -hmm. job you'll be very depressed traveling town to town seeing all the it's like being job up netflix hai, amazon hai, you're at the biggest buffet spread of the world mm -hmm. and you can only stand at the pani puri counter इट्स डिप्रेसिंग अमेजन के बुफे पे मैंने अमेज़न का बुफे जो तुमने बोला बहुत सारे इंडियन कॉमिक्स के स्पेशल हैं उसमें कुछ स्पेशल एक एक घंटे के कुछ शो होते हैं yeah. कुछ तो मैंने डिप्रेस होने के लिए देखे सोने के लिए सोने के लिए डिप्रेस होने के लिए माथा पीटने के लिए के और कुछ तो इतने बुरे थे कि मैं ये देखना चाहता था कि हाउ बैड कैन इट गेट दैट इट बिकम्स एंटरटेनिंग

Which your shows can't. Mm. So isn't it a bit of a comedic snobbery mm -hmm. to look down on that? That's mm -hmm. the point I want to make. All yours, mm -hmm. gentlemen. No, nee, no, nee, not at all. Actually, firstly, it's punching up because they are getting commissioned by Netflix, Amazon, a lot of money to say what Netflix and Amazon will hear, hmm. not what comedy audiences hmm. will hear. Hmm -hmm. What comedy audiences will hear? People buy a ticket and come and see. So, I don't have that conflict. If you make 80% of your money as a comedian by selling a ticket, you can call yourself a comedian. You are that first. But if you make 5% of your money by selling tickets, or if you only do a show to record and put it to, uh, on Amazon, then that's it. You are a different kind of comedian. Mm -hmm. You can hang out with the brand manager and the marketing manager of Amazon, not an issue.

This is is not what my science would do. See, the the point being missed is that if you love something, scientists दिस hmm. comedians love premises jokes comedy वींगी अब जब मैं देख रहा हूँ कि भाई तेरे पास बढ़िया प्रेमाइज है बढ़िया जोक की तरफ पहुंच सकता है और तू वो नहीं कर रहा सो दैट विल भी अपसेट और मुझे तो कॉमेडी नहीं लगती तो मैं कैसे उसको कॉमेडी मान लू यार मुझे नहीं लगती। मतलब और कॉमेडी की एक बात मैंने ये ये होनी चाहिए कि उसमें एक्चुअली कॉमेडी शुड ब्रिज द गैप्स जो डिफरेंसेस है ना उनको कम कर दे लेकिन मैंने एक चीज़ और देखी है इसलिए मैं ग्रीन रूम्स में जाने से डरता हूँ खासतौर पर बॉम्बे में बॉम्बे के ग्रीन रूम्स द वाइडन द गैप वो इतना बड़ा गैप क्रिएट करते हैं हिंदी स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग में किसी को कौन से कॉमिक का पता है कौन से का नहीं पता है एंड दिस आई थिंक इज़ जस्ट द रिफ्लेक्शन ऑफ द लार्जर इंडियन सोसाइटी यूजली परफॉर्म्स जैसे वो हाँ मतलब प्रॉब्लम ये होता है ना कि जब हम बाहर भी जाते हैं ना hmm. हम हाँ, अपना कल्चर छोड़ जाते हैं hmm. जैसे मुंबई का यही प्रॉब्लम रहा है hmm. कि हमारे पास बहुत कल्चर है पर्सनली hmm. एक्सपीरियंसिस भी बहुत है बट द मोमेंट यू गो आउटसाइड इंडिया एंड दे लुक एट यू एज इंडियन

गुलामीटी yeah, <laughs> एक लास्ट चीज जो मैं डिस्कस करना चाहता हूं जो मेरे को बहुत अजीब सी लगती है कई सैन कॉमिक्स बहुत ही रिडिकुलस बात करके बहुत ही जबरदस्त पंचडाउन करके ये बोलते हैं कि यार कॉमिक्स कैन से एनी थिंग आप उनको उनको जैसे अंजना ओम कश्यप पे जब कोई उंगली आया था, था ना पैनलिस्ट वो बोलती है मीडिया को आप कुछ नहीं कह सकते मीडिया है नहीं, नहीं। हम कुछ भी गोबर करेंगे लेकिन आप हमें कुछ 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 नहीं कह सकते। I've कह सकते। तो भी भी सकता। क्यों भाई? ये बहुत है। हाँ। मतलब कहने वाला व्यक्ति से बात सुननी है तो मन की बात ही सुन मन लो ना। की बात सुन लो और क्या हाँ, जिसको कुछ नहीं पता और वो कुछ भी कह रहा है माइक इज मास क्रिएशन तेरे हाथ में वो दस लोग भी तुझे सुन रहे है कुछ भी नहीं कह सकता

लेकिन एट द सेम टाइम आई डू थिंक दैट देर आर सर्टेन टॉपिक्स लाइक लाइक कास्ट अट्रोसिटी इन इंडिया हैज बीन देयर फॉर एंड देर हैज बीन अ डिस्कशन देर हैज बीन अ गवर्नमेंट पॉलिसी अबाउट इट देर देर आर लॉज अबाउट इट एंड इफ समबडी इज अन अवेयर ऑफ देम एंड गोज ऑन स्टेज एंड मेक्स यू नो कास्ट पे एक जोक करता है देन दे कॉन्स है कि हम कुछ भी बोल सकते जैसे हमने हमेशा लाइफ में इंटेंट और इम्पैक्ट डिस्कस किया है यहाँ पे इनका इंटेंट है लाफ उठाना पर ये इम्पैक्ट नहीं समझ रहे लालू प्रसाद यादव पैराशूट के बगैर स्कूल बैग में जंप मारते हैं ये जो बहुत पुराने पुराने जोक्स है लालू प्रसाद यादव पे मायावती के लुक्स पे ये जो पुराने पुराने जोक्स हैं इनके आ, इस पे के ये इनको कुछ आता नहीं टाइप्स या इनका साइंटिफिक टेम्पर नहीं है या ये के बच्चे ज़्यादा होते हैं दस या ग्यारह दे डोंट अंडरस्टैंड दैट दीज जोक्स आर फैब्रिकेटेड बाय सम सॉर्ट ऑफ कास्ट बायस एंड बिकॉज दे हैव मोर डिस्ट्रीब्यूशन दीज जोक्स हैव वेरी हाई इम्पैक्ट और इन जोक्स पे जो हंस रहा है वो, वो, है वो, है। वो ही है जो ऑपरेसर जो है, जो कास्ट है वो तो इसके और इतना सा नुआंस अगर इस, इस परफॉर्मर को पता नहीं हैलिंग यूर स्टैंड अपमिक यूर जस्ट अनदर मन की बात ओनली हाँ मतलब पता भी है पर और इसमें मिनिमम जो रिएक्शन मैंने जो देखा है रिएक्शन जिन ज्यादातर कॉमिक्स का जो जिन जिनके पुरानी कास्ट वोबिक बातों को एक्सपोज किया गया जो उन्होंने किया है सॉरी मिनीम मैक्सिमम जो उन्होंने किया है आई अपोलोजाइज फॉर माई पास बट वो अपोलॉजी से कुछ नहीं होता आपको ये भी थोड़ा दिखाना पड़ेगा ना कि फ्रॉम देन टू हेयर यू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग एंड वाई यू वॉन्ट मेक एनी ऑफ दिस जो सो दैट द अदर पार्टी द aggrieved पार्टी हैज सम यू you नो know, कुछ तो सो गारंटी होना कि यार हाँ ये दोबारा नहीं होगा सॉरी बोल के निकल जाना तो बहुत ही आसान है था था यार पर देखिए मेरे को तो लगता है ये सॉरी बोलना भी इन लोग का यही होगा कि देखिए नहीं नहीं अगर इनकी ऑडियंस बोल रही है ज़्यादा जन बोल रहे हैं कि यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस तो ये सॉरी बोल देंगे ज्यादा जन बोल रहे तो ये यू शूड अपोलोजाइज फॉर दिस तो ये नहीं बोलेंगे ये ए का एक कल्चर था कि वो कंट्रोवर्सी होता था ना hmm. वो घूम हो जाते थे तन में किधर टैक्सी के डिक्की में बैठ के पूना चले गया है चार दिन ट्वीट नहीं करेगा मेरे को ये सब लगता है hmm. तुमने बोला बात hmm. बोल दिया सही गलत है hmm. चलो जुडिशली इसको सॉल्व करता है hmm. ये ट्विटर पे नहीं होगा मैंने बोला सुप्रीम कोर्ट को कुछ कोई लॉयर जो वो हरीश सालवे टाइप कोई है तो वो अगर उसको सुप्रीम कोर्ट बहुत ही लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जगह है मेरी ऑनर की हाँ कॉमेडी क्लब मेरी जगह है मैं वहाँ कुछ भी बोलूँगा तो वहाँ कुछ भी बोल राइट right. और अगर दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है तो चल वहाँ सॉल्व करते, है। करते हैं सॉल्व करते हैं होना होना चाहिए होना चाहिए ये जो बोल के भाग जाना और फिर बोल के सोच के बोलो hmm. पर बोल के भागो मत और बोल के सॉरी मत बोलो है रिजर्वेशन आर्टिकुलेट पॉइंट ऑफ व्यू डालो ना रखो क्यों किसको प्रॉब्लम है लाइक समबडी सेट समी सेट दैट तू मेरे को बता आई की कोचिंग क्लासेस आठ दस लाख रुपए लगते हैं hmm. तो तू बता ये रिजर्व सीट कौन उठा रहा है ऐसे ये तेरा पॉइंट ऑफ व्यू है ना hmm. जाके इसको स्टेज पे डाल hmm. और देखते को कौन चैलेंज करता है कौन चैलेंज करता है जो चैलेंज करेगा उसको फिर गेट कॉन्वर्जेशन क्लैशिंग आइडियाज ऑफ अ कॉन्वर्जेशन कुछ आइडियाज चेंज डिस्कशन करो डिस्कोर्स करो आपकी भी समझ थोड़ी ठीक हो जाए

मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें तो पहले दो एपिसोड फ्री बाकी सारे एपिसोड पे वॉल के पीछे ये शो आप वीडियो पर भी देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे और अगर आपको सिर्फ ऑडियो सुनना है जहाँ पर भी आप पॉडकास्ट सुनते हैं वहाँ इन शोज का लुत्फ उठा सकते हैं आप सो आई रिपीट पहले दो एपिसोड फ्री बाकी सारे एपिसोड सिर्फ हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए ताकि आप संजय राजोरा और कुणाल कामरा का ये शो आराम से इसका लुत्फ उठा सकें और गर्व से ये भी कह सकें मेरे खर्च पे आज़ाद है खबरें क्योंकि आपके खर्च पे ना सिर्फ ऐसे शोज़ बनते हैं बल्कि हमारे सारे रिपोर्टर्स ऑन ग्राउंड रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं